yours freedom of speech and yours freedom of expression means terrorism. Your freedom of speech means insult of Holy Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam and Holy Quran and Holy Islam. Listen to me, Lord. I am keeping your freedom of speech under my foot. I condemn your freedom of speech and freedom of expression because we are not your slaves. We are slaves of Muhammad. तेरी गुलामी का कलमा नहीं पढ़ा, हमने ताजदारे मदीना की गुलामी का कलमा पढ़ा है। और उनके गुलामों से जो टकराता है फिर उसके परखचे उड़ जाते हैं कि इस मुल्क में 295 सी की तब्दीली हमारी लाशों से गुजर कर कोई कर सकता है? जब तक हम जिंदा हैं, इंशाल्लाह हम किसी को इस कानून में तब्दीली नहीं करने देंगे, तब्दीली नहीं करने देंगे। यूरोप अपने नौकरों से अपना काम करवाता है और फिर इस्तेमाल करके छोड़ देता है। कुछ नौकरों से गाजी मुमताज हुसैन कादरी को फंदे पे चढ़ाकर माशाल्लाह यूरोप ने अपना मिशन पूरा किया और उनको इस्तेमाल करके छोड़ा और फिर नए नौकर भर्ती कर लिए। यूरोप से भी बात करना चाहता हूं और अपने हुक्मरानों से भी बात करना चाहता हूं। यूरोप फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की आड़ में हमारे मजहब के अंदर मुदाखलत करना चाहता है। यह सिर्फ मुल्की मुदाखलत नहीं, यह सिर्फ स्टेट में मुदाखलत नहीं, यह मजहब में मुदाखलत है। यूएनओ के कानून के मुताबिक तो स्टेट में भी मुदाखलत नाजायज है, लेकिन यह तो डायरेक्ट हमारे मजहब में, हमारे कुरान के दिए हुए दीन में मुदाखलत है। और यूरोप को हम वाजे करना चाहते हैं कि गुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मसले पर यूरोप